सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहूँगा कि काकुल जी का मैं उनको मतलब हैट्स ऑफ किया मैंने कि उनका जो जो एक लक्ष्य था और जब मेरे पास आए उन्होंने तो उन्होंने कहा मुझे बताया कि क्या हम करना चाहते हैं और ये टूर्नामेंट किस तरह से होगा और बहुत सारी परेशानी आई थी लेकिन उन्होंने वो पार की और बच्चे लोग को मौका मांगता है अगर उनको चांसेस मिले और वो चांसेस मिलना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम जैसे कहते हैं कि खेलो क्रिकेट खेलो स्पोर्ट्स खेलो तो कहीं ना कहीं आपको वो कदम उठाना पड़ता है और यही मैं कहूँगा कि JPL की तरफ से जो बच्चे लोग को एक मौका मिला है तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और मन लगा के टूर्नामेंट जितना है जैसा भी है लेकिन जो ये एक्सपीरियंस उनको ये मिलेगा वो लाइफ टाइम जरूर याद रखेंगे। एक्चुअली मेरा मोटिव ये था जो जो यहाँ पे क्या होता है ना हम देखेंगे बहुत सारे बच्चे एकेडमी में नहीं जा सकते पेरेंट्स कैन नॉट एफोर्ड टू गेम तो ये क्या हो गया मतलब बाकी बहुत सारे बच्चे एकेडमी में जाते हैं बट मेरे पे यहाँ पे जो भी टीम आज मतलब खेले उस दिन और आज दोनों दिन मिला के इसमें 80% बच्चे एकेडमी में नहीं जाते थे एग्लो ऐसे ही वो जुहू बीच पे वर्सोवा बीच पे रेती में खेलते हैं लोग बट दे हैव एक्सीलेंट टैलेंट आई सॉ दैट
सो ये टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, टैलेंट को सबके सामने लाने के लिए मैंने ये शुरू किया. एंड एवरी ईयर आई प्रॉमिस यू जेपील जो है एवरी ईयर होगा. एंड एवरी ईयर में मैं यही बच्चे ढूंढूंगी जो बच्चे एकेडमी में नहीं जाते हैं, बिकॉज हमारे मेरे खुद के बच्चे एकेडमी में जाते हैं. बहुत सारे हजार बच्चे रहेंगे जो एकेडमी में हम लोग फोर्स करते हैं, जाओ उधर खेलो सीखो. इन लोगों को फोर्स नहीं, ये लोग रेती में खेलते हैं. मैंने देखा इनको, एंड दे आर वेरी गुड बैट्समैन, दे आर वेरी गुड बॉलर, दे आर वेरी गुड एक्सीलेंट एवरीथिंग. सो दिसंबर में मेरा और एक प्रोग्राम होगा, तो इन लोगों को उस दिन अवार्ड दिया जाएगा उस दिसंबर में. सो आप लोग भी आएंगे डेफिनेटली, ऑल आर यूर द रिलेटिव लाइक ए फैमिली मेम्बर्स. सो उस दिन आपको देखा जाएगा बैट्समैन ईच एंड एवरीथिंग एवरी सबको. और यहाँ पे मैंने आपको सर एक दिन बोला था उस दिन, जो कोई हारे हुई टीम नहीं है, ऑल आर विनर. आई रीड दैट ऑल आर विनर, क्योंकि दे आर बच्चे ऑल अंडर 14. अभी इसमें हार जीत बोल के कोई मतलब ही नहीं है. So they all are winner. No, वही JPL में वही वेरी गुड. Everybody is a winner. Yes, exactly. Everybody is a winner. मेरा मोटिव बस यही था, but every year यही मोटिव रहेंगे मेरा. हर साल नए नए बच्चे, नए नए टीम को मैं लेके आऊँगी, नए नए टीम को मैं प्रोग्रेस दूंगी. एक्चुअली फ्रेंकली बताओ, इसमें दे आर माई टीम, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग बॉयज यार. दे अरेंज एवरीथिंग, ऑल टीम एंड एवरीथिंग. दे एवरी डे दे कैम, वी आर ड्यूरिंग द मीटिंग एंड ऑल बाई फोन समटाइम. हम लोग कभी टेरिस पे बैठ जाते हैं, राइट, हम लोग कभी सोसाइटी में बिल्डिंग में बैठ जाते हैं कंपाउंड में. रात को 11:30 हम लोग बैठ गए सब डिस्कस करने के लिए, क्या हो रहा है, कौन सा टीम आ रहा है, क्या. हम लोग ऐसी टीम हम लोगों ने अरेंज किया. एंड आई होप द नेक्स्ट ईयर विल बी बिकम मोर एंड मोर टीम, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो मतलब सब लोगों तक पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग गया. एंड अभी भी जिसको मैं बोल लूँ, जो दिसंबर में हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें जितने बच्चे सब रैंप वॉक करेंगे, मतलब थीम के साथ, बैट बॉल क्रिकेट थीम के साथ. सो कोई कोई बच्चे को समझ में आया, दे आर वेरी हैप्पी. किसी किसी को समझ में नहीं आया, बट दे की मतलब मुझे अभी भी पूछ रहा है, मैम पक्का ना हम आएंगे ना. आप अब मेरा नंबर लिया, उसका खुद का लिस्ट दिया मुझे. आई सेड डेली कॉल करना मुझे, डेली बोलूँगी तुम लोग आओगे. इट्स लाइक दैट. सो ये साल ऐसा हो रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आई होप लाइक नेक्स्ट ईयर हमारे और टीम आएंगे, और टीम्स आएंगे डेफिनेटली. ऐसे बच्चों को हम लोगों ने एक्चुअली एक पोस्टर बनाया था हम लोगों ने, एनी बॉडी कैन ज्वाइन, मतलब सिंगल एंट्री भी है. बेसिकली ये सब सिंगल एंट्री है, मैंने सब टीम बना दिया है, 9, 10, 11 ऐसे कर, दिस ऑल सिंगल टीम. सो बरसवा की कोई टीम्स है, बच्चे है, सेवन बंगलो की कोई बच्चे है, बैंड्रा की बच्चे है, सेंट्रा के बच्चे है, सब चारों जगह. बेसिकली जो एकेडमी में नहीं जाते हैं और जो जिनमें प्रतिभा है और जो खेलना चाहते हैं उनको एक मौका दे रहे हैं, मोटिव. देखो वुमेन एम्पावरमेंट आपको पता है, अभी स्पोर्ट्स के लिए हम लोग आ गए हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है. और जिस तरह का इनका ड्रीम रहा है, और वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे लोग को जो जिनको चांस मिलते हैं, जैसे भाई अभी जैसे बताया कि जू बीच पर खेलते हैं, लेकिन वहाँ से ही टैलेंट ऊपर आता है. Exactly. मैं यही कहूँगा सबसे कि हम लोग भी गली क्रिकेट से हमारी शुरुआत हुई थी, लेकिन जब बच्चे लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इन्होंने दिया है वो प्लेटफॉर्म, उसका उपयोग करें. और जैसे मैंने कहा कि सपना देखना तो ज़रूरी है, और ये मेहनत करेंगे, और मुझे यकीन है कि जू बीच पे खेलो या वानखेड़े स्टेडियम पे खेलो, खेलना तो शुरुआत, वो जो शुरुआत है वो उन्होंने कर दी है. और जैसे कहा कि दिसंबर में भी होने वाला है, अच्छे टीम्स आएंगे और भी जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो उनके पेरेंट्स भी खुश होंगे, और सब प्लेटफॉर्म है, यही कहूँगा उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए. मुझे लगता है कि जो जैसे मैं कहूँगा स्पॉन्सर्स की तो बहुत ज़रूरत है, वो तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, कि ये बच्चे लोग को जो जिनको बैट अफोर्ड नहीं कर सकते, किसके पास बॉल नहीं होता है, तो उनको मदद कर होना चाहिए. और क्रिकेट और जैसे मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट्स, ये सब एक साथ ही आते हैं, तो ये बच्चे लोग को वो अगर साथ मिले उनका, तो फ्यूचर बढ़ गया ना.